सॉल्व द इक्वेशन टेन एक्स माइनस 60 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू रूट 3 फॉर एक्स बिटवीन 0 to 180। दे टोल्ड यू टू सॉल्व, यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 180 सैटिस्फाइंग दिस गिवन इक्वेशन। क्लियर? सो लेट अस राइट द गिवन इक्वेशन फर्स्ट। गिवन इक्वेशन इज टैन एक्स माइनस 60 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू रूट 3। नाउ हाउ डू आई सिंप्लीफाई दिस? डिड यू गेट द कैच? आई विल मेक यूज अ फॉर्मूला टैन ए माइनस बी टू दिस वन। टैन ए माइनस बी इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी बाय वन प्लस टैन ए टैन बी। क्लियर? इन प्लेस ऑफ ए इट इज एक्स, इन प्लेस ऑफ बी इट इज 60। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। वी गेट टैन एक्स माइनस टैन 60 बाय वन प्लस टैन एक्स टाइम्स टैन 60 प्लस नाउ कॉट एक्स। सी मैन, इन द एंटायर इक्वेशन देर इज टैन, सो आई विल राइट कॉट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टैन। क्लियर? इफ टैन वॉज नॉट प्रेजेंट देन आई वुड हैव रिटन कॉट टू बी कॉस बाय साइन, बट हियर टैन इज एग्जिस्टिंग सो राइट कॉट टू बी 1/tan। सो 1/tan एक्स इक्वल टू रूट 3। क्लियर? नेक्स्ट वॉट विल यू डू? वी विल रीप्लेस द वैल्यू ऑफ टैन 60। क्लियर? सो इफ आई रीप्लेस वॉट डू आई गेट? टैन एक्स माइनस टैन 60 इज रूट 3 बाय 1 प्लस टैन 60 इज रूट 3 टैन एक्स प्लस 1/tan एक्स इक्वल टू रूट 3। वेन आई वॉज राइटिंग दिस इक्वेशन आई रियलाइज दैट द टैन इज प्रेजेंट इन मैनी प्लेसेस, सो वाई नॉट इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी टाइम टैन, इट विल बी बेटर इफ आई टेक टैन एक्स टू बी सम अदर लेटर, लेट अस से वाई। इफ आई टेक टैन एक्स टू बी वाई, दिस इक्वेशन नाउ बिकम वाई माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3 टाइम्स वाई। क्लियर? आई एम रिप्लेसिंग टैन एक्स बाय वाई प्लस 1/y इक्वल टू रूट 3। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? लुकिंग एट दिस इक्वेशन इज फार मोर कॉम्प्लेक्स एंड लुकिंग एट दिस इज सिंपलर। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, एंड टू सिंप्लीफाई आई टेक एलसीएम। द एलसीएम इज आई राइट हियर, इट इज 1 प्लस रूट 3y टाइम्स y। क्लियर? नाउ 1 प्लस रूट 3 शुड y शुड बिकम दैट, सो हियर मिसिंग इज y, सो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विद y, सो दिस विल बिकम y टाइम्स y माइनस रूट 3 प्लस नाउ y शुड बिकम दैट एंटायर थिंग, सो हियर मिसिंग इज दिस वन, सो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विथ 1 प्लस रूट 3 वाई, सो दिस विल बिकम 1 इंटू 1 प्लस रूट 3 वाई इज इक्वल टू रूट 3। क्लियर? नेक्स्ट नाउ मल्टीप्लाई, वॉट डू आई गेट? वाई स्क्वायर माइनस रूट 3 वाई प्लस 1 इंटू एनीथिंग द सेम थिंग by even over here also if I multiply y times 1 is 1 and y into root 3 y is root 3 y square is equal to root 3. Now look at the numerator, does anything cancel out? Yes, minus root 3 y and plus root 3 y cancel out, leaving you with y square plus 1 by y plus root 3 y square.
Next step to simplify, do the cross multiplication. So that will be 1 times, this is the same thing, no change. And on the other side, root 3 times y plus root 3 y square. So now open up or multiply with root 3. So what do I get? Root 3 y plus 3 y square. Clear? Root 3 into root 3 is 3. Now bring all the terms to one side and arrange it in proper quadratic form. What do I mean is, I take this to this side. So that is root 3y plus 3y square. Here plus y square after shifting minus y square. Here plus 1 after shifting minus 1 equal to 0. Clear? Now rearrange in quadratic form. First y square term. So here plus 3 and here minus 1. Plus 3 minus 1 will be plus 2. Y square. There is only one y term, so write that. Plus root 3 y, 1 minus 1 is constant equal to 0. Now, we got the quadratic equation. Calculator is allowed. So put this in the calculator to get the values of y. So if I put this in the calculator, I get y values to be, I write here. Y equal to 0.396. And the other value is minus 1.262. Clear? Now, replace y. Y at the start, we assumed it to be tan x. So, replace that now. So, tan x is equal to 0.396 or tan x equal to minus 1.262. Now tan is positive over here. Now to find the values of x, I should see in what all quadrants is it positive. It is like this. All silver tea cups. Tan is positive in the first and the third. Clear? And the given interval is from 0 to 180. Means from first and second only. The angle in the third does not fall in the given interval. So you don't need to find the angle in the third quadrant. So find the angle in first quadrant. How do you find it out? Directly tan inverse 0.396. So that will be 21.6. Clear? Now here, tan is negative. Negative is over second and fourth. Again, our interval is from first and second. So I don't need to find the angle in the fourth quadrant because that does not lie in the given interval. So now to find the angle in second, it is 180 minus tan inverse. 180 minus tan inverse 1.262. Put this entire thing at once in calculator. You get the answer to be 128.6. So these are the values of x in the given interval satisfying the given equation. Okay, clear?